अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मेरी डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट है, दर्द ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद मैंने शॉपिंग करने जाना है। आई एम सो हैप्पी कि इतने दिन बाद मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। जल्दी से तैयार होते हैं और डेंटिस्ट को आधे घंटे में भुड़काते हैं और उसे पूछते हैं यार क्या दर्द लगा हुआ है, उसके बाद फिर शॉपिंग करते हैं। आज शॉपिंग बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, आपने नहीं किया यार क्यों नहीं किया, कर लेना। सब्सक्राइब करते हैं, इनक्रेज करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए तैयार होते हैं। सर जी आ गई हूँ मैं अभी। मैं खुश इस वजह से हूँ क्योंकि मेरे फेवरेट डॉक्टर बलीर जो है वो मेरे साथ बैठे हैं, इसलिए मैं कहती हूँ, मैं भी उनके पास वापस जाती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपका अच्छा डॉक्टर होना तो आपका आधा दर्द खत्म हो जाता है। अभी इन्होंने कहा है कि जी इन्होंने कुछ निकालना है दांत में से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। आप ये बताएं कि मुझे आपने क्यों ऐसे बिठाया हुआ है? इसलिए क्योंकि आपके दांतों का इलाज करना है। आप कुछ कह रहे हैं मेरी अक्ल दाढ़ आ गई, तो अक्ल दाढ़ क्यों आई है और क्यों निकालनी है? देखिए अक्ल दाढ़ तो आ गई थी आपकी 17 से 21 साल की उम्र के दरमियान। अब इशू ये है कि अगर अक्ल दाढ़ आ जाए और ऊपर नीचे इकट्ठी ना आए, तो अगर ऊपर आ जाए नीचे ना आए तो ऊपर वाली थोड़ी नीचे आ जाती है, और अगर नीचे आ जाए और ऊपर ना आए तो नीचे वाली थोड़ी सी ऊपर आ जाती है। जब वो लेवल डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो उस दाढ़ में और अगले दाढ़ के दरमियान में एक खाना फंसने की जगह बन जाती है। अच्छा, आपको ये प्रॉब्लम हो, इसलिए मुझे, मैं रो रही थी और इतना पेन हो रहा था। नहीं नहीं, इसलिए नहीं आप रो रही, आप इसलिए रो रही थी क्योंकि आप कच्चे चावल चबा रही हैं आजकल। अच्छा जी, तो अच्छा डॉक्टर होना हमेशा मैं रिकमेंड करती हूँ, अच्छा डॉक्टर होना। उसका फ़ायदा ये है कि वो हंसता रहता है और हंसते हंसते काम करते तो आपको पता नहीं चलता। आप सोचते हैं कि यार अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, वो हो चुका होता है। मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्टर वलीद का इंटरव्यू और लेते हैं, सबसे पहले प्रोसीजर शुरू कराते हैं, उसके बाद मैं तो नहीं बोल पाऊंगी, पहले डॉक्टर साहब ही बोल पाएंगे। अब आपके गम को नम करने लगे, सुन करने लगे, ठीक है जी, ताकि टीके से पहले आपको दर्द ना हो टीके लगाने की। अभी आपने स्प्रिट नहीं करनी, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपने स्प्रिट करनी है। कोशिश कीजिए कि थूक अंदर ना लेके जाएं, क्योंकि ये लोकल एनेस्थीसिया है जो कि टॉपिकल है, यानी कि सदा पे लगाने वाला है। तो अगर आप थूक गले में लेके जाएंगे तो गला थोड़ा सा सुन हो जाएगा, इसलिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा गले में थूक ना लेके जाइए। ढीला सा छोड़ लें, रिलैक्स कर लें। ये टीका लग चुका है, ये मेडिसिन अंदर जा रही है। आंखें खोल के देखें, छत पे देखें, ये हम देते हैं लॉन्ग बकल नर्व के लिए, बस इसमें हल्की सी दर्द होती है, लेकिन पेन नहीं होगी जितनी भी आपको। वो बोलूँ पहले बैटरी काफ़ी ख़राब करें पहले। खोले बंद करें। देखिए जी, एक आपकी जड़ ऐसी थी और एक ऐसी थी, ये एक साथ नहीं बाहर आ सकते थे। कहो हॉर्न की तरह ना, कैसे बाहर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बंद करें दांत, फिर बात करो। चल चल, मेरा मुंह है, मुझे ऐसा लग रहा था कि इट वॉज सो हॉरिबल, अगर डॉक्टर वलीद ना होते ना तो मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरा बिल्कुल पेन नहीं हुआ, लेकिन जो डर लग रहा था क्योंकि ये इतना हॉरिबल था, ये दांत मेरे कल में सौदत में दिखाया है, तो मैं दांत की तो किच्ची है लेकिन जो रूट थे वो इतने हॉरिबल थे कि मुझे लग रहा था कि नहीं निकलेगा। और मेरे इतनी पेन हो रही थी यहाँ पे, आप लोग रिलेट कर सकते हैं जब हमने अक्कल दाढ़ निकलवानी हो और इस
सीरियसली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माई डॉक्टर इज़ वेरी गुड, मुझे ज़रा सा पेन नहीं हुआ। जो तकलीफ हो रही थी मेरे मुँह के एंगल्स बन रहे थे वो मेरे डर की वजह से था, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ रहा था, मैं बहुत डर लग रहा था। बट अल्हम्दुलिल्लाह इजीली हो गया। अब मेरा शुगर लेवल नीचे जा रहा था, उन्होंने मेरा ग्लूकोज मेरे मुँह में डाले, मैंने कहा यार मैं तो डाइटिंग कर रही थी, शुगर नहीं लेती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर हंस रही हूँ तो अपने अच्छे डॉक्टर की वजह से हंस रही हूँ, वरना ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता, जो चीज़ें हाल खा गया। एक घंटे कॉटन रखनी है, ब्लीडिंग हो रही है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि हमें ब्लॉगिंग नहीं करनी। लेकिन मैंने कहा मैं बता दूँ आपको मेरा मुझे भी कितना स्वेलिंग हुई। ये सब लोग खुश हो रहे थे, मैं एक सब डी एच में हूँ और मेरे मुँह का हाल देखें, डॉक्टर साहब ने कहा हमें ब्लॉगिंग नहीं करनी अगले डेढ़ दो घंटे। खाने के लिए उन्होंने कहा कुछ नहीं खाना, उसे मैं खाती नहीं, आपको बताया मेरा फास्टिंग स्टार्ट हो गया, बोला नहीं जा रहा। डिफेंस जब मैं आई थी तो मौसम अच्छा था, और अब मेरे मुंह भी इतना सारा मौसम हो गया। शॉपिंग का प्लान था, सौलत को मैं कह कर आई थी कि तुमने मुझे आज शॉपिंग करानी है, शॉपिंग ही करनी है। लेकिन जो मेरे हालात इस वक्त चल रहे हैं ना, दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। उसकी वजह यह है कि उसने उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी ये पूरा पोर्शन मेरा जो है वो बिल्कुल सुन हुआ हुआ है। कितनी अजीब बात है कि आप घर से सुकून से निकलते हैं कि आपको दर्द हो रहा है, अपने डॉक्टर को दिखाना है, उसके बाद आप शॉपिंग करने जाएंगे, उसके बाद आप चाय पीएंगे कहीं पे बैठ के। डॉक्टर साहब ने कहा आपने चाय किसी सूरत नहीं पीनी, और आइसक्रीम उन्होंने कहा खानी है, वो मुझे कोई शौक नहीं है, कोई दिल भी नहीं है, लेकिन ठीक है आई विल हैव आइसक्रीम। दर्द नहीं हो रहा, सुन हुई है पूरा का पूरा मुँह, और अब हार्ट बीट नॉर्मल हुई है। आपका डॉक्टर अच्छा हो तो आपको पेन नहीं होती, ये एक मेन चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मुंह पे से फुली स्वेलिंग हुई हुई है, और मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट ब्रांड की शॉपिंग करने। हाँ बियॉन्ड एक्स पे मैं मौजूद हूँ, और सौलत के लिए मैंने एक पेयर देखा है शॉर्ट्स का, तो देखते हैं कि कैसा लग रहा है। शॉर्ट्स ही होता है, इट्स नाइस। नहीं नहीं इतना ही है नीचे, नहीं वो थोड़ी होता है, इट्स रियली नाइस। तब मैंने ट्राई कर लिया, सब इतना बुरा लग रहा है, क्या आप लोगों को दिखाने को भी दिल नहीं चाह रहा, सब बहुत बुरा लग रहा है, मेरे दांत में दर्द हो रहा है। शॉपिंग करने आई थी, कुछ भी पसंद नहीं आया, सब कुछ इतना बुरा लग रहा है पहन के। यहाँ पे ने मुझे ये चेक करवाया, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी लेके जाऊंगी, लेकिन आज लिस्ट में नहीं है। शॉपिंग करने मैं आई थी, तकरीबन एक महीने से मैंने चीज़ें कलेक्ट की हुई थी, जाके देखूंगी और शॉपिंग में आपको बता रही हूँ कौन कर। ये सौलत साहब की चीज़ें हैं, ठीक है, और ये जा रहे हैं। मैं कुछ खा नहीं सकती, शॉपिंग भी नहीं हुई, इस वक्त मैं हार्डी से आई हूँ रानिया के लिए बर्गर लेने। ड्राइव थ्रू में आती हूँ मैं बस, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे, उससे बोला भी नहीं जा रहा, खाना तो कुछ खाना नहीं, लेकिन बहुत पेन हो रहा है, बहुत बहुत मुँह भी सूज हुआ है, इतना बड़ा मुँह हुआ है, बहुत दर्द हो रहा है। सब ये है जी मेरा नसीब, मैंने स्पेशल ये वाली खाई खा रही हूँ मैं, जिसमें 100% नेचुरल है ये, और इसमें 47% कैलोरीज है। डॉक्टर ने कहा कि हर हाल में आइसक्रीम खानी है, और मैं ये खा रही हूँ, इसका टेस्ट ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। नाम सुन हुआ है और टेस्ट भी नहीं है कोई अच्छा, वो चॉकलेट वाली नहीं खाई कोई, मेरा दर्द हो रहा है। वापस घर आ गई हूँ और आई एम मच बेटर, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ये सारी नेक पे, और ये मुंह स्वेलिंग हुई हुई है। कितनी अजीब बात है, निकली मैं ये थी कि आधे घंटे में वापस आ जाऊँगी, मतलब वहाँ से निकलूँगी, कहीं मैं बैठूँगी, बड़ी सारी प्लानिंग्स थी, लैपटॉप लेके गए हुए थे, कुछ चीज़ें देखनी थी, शॉपिंग करनी थी, लेकिन टोटली मैस आउट हो गया। अब मुझे आइसक्रीम खाने के बाद बोला तो जा रहा है, लेकिन नींद बहुत आ रही है और सर में दर्द हो रहा है, ये सारी जगह पे दर्द हो रहा है। देखिए मैंने आज एक चीज़ रियलाइज़ की है कि जिस तरह से वो दांत वगैरह मेरे निकाल रहे थे, अगर कोई मतलब ऐसे डॉक्टर्स होते जो अक्सर हम जाते हैं, डॉक्टर्स क्वालिफाइड नहीं होते, तो मुझे पता है मैंने चीखें मारनी थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अब मैं आराम करूँगी, सोऊंगी, खाना तो वैसे मैंने नहीं खाना होता इस टाइम फास्टिंग है, लेकिन मैं जो है वो कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगी और पानी वगैरह पीऊँगी। यहाँ पे व्लॉग का इख्तिताम भी करते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताएं किस किस की अक्ल दाढ़ जो है वो निकली है,
और किस किस को मैं इतना बोलने का शौक़ है, और मुश्किल से 1.5 घंटा मैं चुप रही हूँ, और ऐसे मुझे लग रहा था कि यार दुनिया ख़त्म हो गई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप लोग अप्रिशिएट करते हैं तो डेफ़िनेटली हम लोग बहुत जो है खुश होते हैं। वीडियो को शेयर भी करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन अपने आप को इस सिचुएशन से गुजारने के बाद क्या फीलिंग है आप लोगों की। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।